हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो भाई आज मैं बड़े टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो भाई इसके लिए सॉरी दिल से। तो भाई आज मैं एक छोटा मोटा ब्लॉग शूट करूँगा, तो इस चैनल पर भी डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। भाई इस चैनल को करो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो अपनी गाड़ी को देते हैं जल्दी से कोल्ड स्टार्ट। तो भाई देखो करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। तो भाई इसको अभी कोल्ड स्टार्ट दिया, तो भाई 5 मिनट बाद अभी हम बाहर जाएंगे, तो मिलता हूँ आपको। गाइस मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त भाई विजयपुर से थोड़ा आगे। भाई एक गांव आता भाई बाड़ियाँ सिटी है जैसे टाउन एरिया। तो भाई इधर देखो भाई एकदम धूप निकली है, कड़ाके की धूप। तो हमारे नंदपुर वाली साइड भाई इतनी ज़्यादा धुंध थी, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था सामने, भाई इतनी ज़्यादा ठंड है उस तरफ। तो इस तरफ देखो भाई सांबा वाली साइड भाई इतनी ज़्यादा धूप निकली है भाई, मज़ा आ गया। तो रोड का व्यू देख सकते हो आप भाई, सामने का व्यू एकदम मक्खन सा रोड है भाई, गाड़ी एकदम टॉप गियर में जा रही है। तो देखो भाई रोड कितना सुंदर बनाई दी है, अभी बना जे न्यू रोड। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। ये है भाई डुगर हवेली, इस तरफ दिखाई दे रही होगी आपको। ये सांबा की सबसे मशहूर ढाबा है, ये डुगर हवेली इसको कहते हैं। और थोड़ी देर आगे वहाँ पे चीची माता जी का टेंपल भी आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, ये है चीची माता जी का टेंपल जो भाई सांबा में है। देखो भाई दर्शन कर लो भाई इस वीडियो के थ्रू में, देख लो भाई। और ये न्यू फ्लाईओवर बना है, तो मैं इसके ऊपर आ तो गया हूँ, मुझे पता नहीं भाई ये कहाँ पे ख़त्म होता है। और मैंने जाना है सांबा अड्डे में, तो ये तो सामने ही ख़त्म हो गया भाई। न्यू रोड बना अभी, देखो भाई कितना सुंदर रोड बना, देखो भाई कितना सुंदर रोड बना हुआ है। और उस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई रोड की, थोड़ी बहुत आगे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ये देख सकते हो आप। लेकिन ये रोड ना भाई इतना सुंदर बना अभी, ये ऊपर वाला बंद किया है, ये सामने अभी काम चल रहा है इसका, थोड़ा बहुत जो रहता है वो बाद में खोलेंगे उसको, अभी उसका आगे पूरा बना नहीं है, इसलिए जो अभी नीचे से चल रहा रोड कंस्ट्रक्शन चल रही काम। तो अभी मैं सांबा अड्डा में पहुंचने वाला हूं, देखते हैं वहां पे क्या अभी काम चल रहा है, कैसा रोड बना है। मैं अभी बहुत टाइम बाद आया हूं भाई इस तरफ, तो देखते हैं। देखो भाई कितना सुंदर बनाया ये, अभी न्यू फ्लाईओवर बना ये सांबा में भाई, तरक्की होगी अभी सांबा तो भाई इतना जाना माना शहर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत कम होती थी यहाँ पे, अभी रोड बना न्यू, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जे। आगे देखो भाई यहाँ पे अभी काम चल रहा है इधर इस तरफ, पीछे तक ही बना बस अभी। देखो भाई इस तरफ, ये है भाई अपनी देव। और भाई एक जे वाला न्यू फ्लाईओवर जो जतवाल से आया सीधा सांबा अड्डे के ऊपर से, ये सीधा उस फ्लाईओवर के साथ टच होगा, जो भाई बड़े ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ियाँ नीचे अड्डे में रस डालती थी ना, वो अभी ऊपर से जाएंगी फ्लाईओवर से, इसलिए बनाया जे,
बाकी जो नीचे छोटी मोटी गाड़ियां वो नीचे चले और बड़ी बड़ी ऊपर से, इसलिए फ्लाईओवर बनाया भाई। और सामने अपनी चल रही है एक्सयूवी, अपने ड्रीम कार है, बहुत सुंदर दिख रही है पीछे से, जो अभी न्यू लोगो है ना ये महिंद्रा का, बहुत सुंदर दिखता है। देखो कितनी अच्छी दिख रही है, क्या लुक दी है गाड़ी को महिंद्रा वालों ने। और ये देखो ये है सांबाडा, पहले कैसा होता था अभी देखो, अभी का व्यू देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे मैं जम्मू सिटी में आया हूँ ऐसा लग रहा मुझे। देखो भाई कितना सुंदर दिखाई दे रहा, अभी फ्लाई ओवर की वजह से भाई सुंदर दिखाई दे रहा, और गाड़ियों का रश तो अभी भी उतना ही ज़्यादा दिख रहा मुझे, भीड़ तो उतनी ही ज़्यादा भाई, क्राउड में कोई कमी नहीं हुई भाई, क्राउड तो उतना ही ज़्यादा मुझे दिख रहा। तो मैं अपनी दीदी को छोड़ने आया हूँ यहाँ पे सांबा में, तो अभी जीजू लेने आएंगे आगे, तो मैं इनको वहाँ पे ड्रॉप करूँगा, तो देखता हूँ कहाँ पे आते हैं वो, तो फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो भाई जिसको मैं छोड़ने आया हूँ, ये अपनी मायरा देवी है, सो गई है, ये मेरी दीदी है, ये हमारी छोटी मायरा अभी सो चुकी है जी। तो भाई बहुत शरारती है जी, जब उठ जाती है ना तो बहुत पंगे करती है, अभी सो गई है, कितनी क्यूट लग रही है सोते टाइम। कभी बाद में मिलाऊंगा आपको फिर से इसके साथ। ओ भाई सामने का व्यू देखो भाई, पहाड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं भाई, वो देखो सामने का व्यू देखो, इस पुल से भाई इतना सुंदर व्यू दिख रहा है जहाँ से, जैसे मैं कहीं हिली एरिया में आया होता हूँ। पहाड़ देखो सामने का कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है भाई, दिल कर रहा बस इसको देखे रहा हूँ। और भाई ये जो रास्ता आगे से जाता है वो मानसर को जाता है, जो पर जहाँ पे पिकनिक पॉइंट है भाई, एक मानसर रोड जाता है वहाँ से, वो आगे आएगा वो रोड। और भाई यहाँ पे हर जगह काम लगा रोड का, ये वाला ऊपर वाला फ्लाई ओवर बंद किया, और ये है नीचे जीडीसी कॉलेज भाई सांबा। देखो भाई बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ये वो कॉलेज है भाई जीडीसी सांबा कॉलेज भाई। देखो लड़कियों के ग्रुप देखो भाई, झुंड के झुंड बैठे हैं बाहर, घर से पढ़ने आए हैं ये। और सामने रोड का व्यू देखो भाई कितना सुंदर रोड बनाया अभी, ये बार रोड भाई देख देख के भाई दिल नहीं भर रहा, इतना सुंदर रोड दिख रहा भाई, अति सुंदर, ऐसा लग रहा मैं कहीं बाहर आया हूँ, कहीं दिल्ली वगैरह में गया हूँ कहीं घूमने, ऐसा लग रहा मुझे तो भाई। हमारे जम्मू में भी धीरे धीरे भाई डेवलपमेंट हो रही है, और हमारा जम्मू भी भाई सुंदर हो रहा है धीरे धीरे। ओ भाई बहुत बड़ा खड्डा जी, गाड़ी पूरी नीचे लगी है भाई, बहुत बड़ा खड्डा हो गया एकदम से आगे। ये वाले रोड पे अभी लुक नहीं डली, बीच बीच में कहीं कहीं पैच लगाया है, और ऊपर वाला रोड देखो भाई वो कितना सुंदर बना, अभी बना नहीं हुआ वाला, इस पर अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत। तो जहाँ से मैं भी फ्लाई ओवर पे हो जाता हूँ राइट साइड से, यहाँ से लेते हैं हम फ्लाई ओवर पे, अभी देखते हैं भाई हमारी गाड़ी की स्पीड, अभी हम फुल स्पीड में जाएंगे जहाँ से। पहले इसका इंडिकेटर बंद करते हैं, और देखो भाई यहाँ से अभी हम देखते हैं स्पीड गाड़ी की कितनी स्पीड जा रही है। जैसे ही इसको टच करती है आगे कोई खड्डा आ जाता भाई, और रोड पूरा प्रॉपर सही नहीं है, नहीं तो आपको इसकी टॉप स्पीड बताता मैं कितनी जाती है। सामने भी गाड़ी चल रही है,
फिर उसके साथ में ठुक जाए, सामने वाला बंदा ब्रेक मार दे और मेरी ब्रेक ही ना लगे। सौ तो टच कर लिया एक बार भाई, सामने रोड बड़ा खराब है इसलिए मैं ज़्यादा तेज चलाऊंगा नहीं भाई। खाली रोड आया तो फिर बताता हूँ आपको इसकी टॉप स्पीड क्या जाती है। ऐसे तो मैंने 120 टच की हुई है इसके साथ, इसी वाली रोड पे, यही रोड पे की थी तब, रोड पूरा खाली था एकदम, आगे से क्लियर था। आज सामने देखो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा तेज चला नहीं रहा। 80 पे चल रही है अभी तो, देखो सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार, नहीं तो आपको इसकी टॉप स्पीड आज मैं बता ही देता कितनी जाती है। तो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने स्पेशली गाड़ी रोक के आपको बताने के लिए गाड़ी रोकी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हमेशा घर से गाड़ी बाइक जो भी लेके निकले तो पहले उसमें चेक करें कि पेट्रोल कितना है। भाई मेरे साथ ये अभी गलती मैंने आज की है इसलिए मैं वीडियो में डाल रहा हूँ कि ये वीडियो जो भी बंदा देखे वो ऐसी गलती ना करे। भाई मैंने गाड़ी घर से निकाली, मैंने चेक नहीं किया पेट्रोल कितना है इसमें, अभी भाई एक सेल रह गया इसमें वो भी ब्लिंक कर रहा है, तो गाड़ी एक बार बंद हो चुकी है। तो अभी मैं जल्दी से देखता हूँ कहीं पास पेट्रोल पंप दिखता है तो जल्दी से इसमें फ्यूल अप करवाता हूँ। तो भाई इसलिए मैंने ये क्लिप लिया वीडियो में ताकि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो जब भी हमेशा गाड़ी या बाइक जो भी आप चला रहे हैं उसको घर से लेकर निकलें तो पहले चेक करें कि उसमें पेट्रोल कितना है भाई, तो ये गलती ना करें इसलिए मैंने वीडियो में क्लिप डाली है। तो अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ जहाँ से तो फ्यूल अप करवाता हूँ। तो फाइनली गाइस थैंक गॉड 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे पेट्रोल पंप मिला, तो अभी भाई जल्दी से जहाँ से करवाते हैं फ्यूल अप तो फिर निकलते हैं जल्दी से घर के लिए। भाई बहुत लेट हो गया मुझे, अगर जल के करवाते हैं फ्यूल अप भाई तो फिर चलते हैं घर के लिए।